फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे का लुक है मेरे हेयर का। आप देख सकते हो मैंने अपने अभी तक 30+ मेरी एज हो गई है, मैंने अभी तक अपने हेयर पर कोई भी पार्लर ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं कराया है। तो आप इस हेयर पैक को, हेयर मास्क को, जो भी आप बोलना चाहे, आप इसे यूज़ कीजिए और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ये नेक्स्ट डे मैंने जब हेयर वॉश किए थे उस टाइम का आपको दिखा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सृष्टि क्रिएटिव आइडिया चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने हेयर में बोटॉक्स ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, वो भी घर पर इजीली, जो घर की चीज़ें हमारी होती हैं उनसे कैसे कर सकते हैं ये बताने वाली हूँ। तो हमें इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी कंडीशनर की। आप कोई भी कंडीशनर ले लीजिएगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये बहुत छोटा सा पैकेट है, आप सबको पता ही होगा कि मैं कंडीशनर यूज़ नहीं करती हूँ। तो सिर्फ ये वीडियो बनाने के लिए मैंने ये मंगवाया है। तो किसी भी कंपनी का आप कंडीशनर ले लीजिए। ये देखिए मैंने खाली बाउल लिया है और अपने हेयर के अकॉर्डिंग जितने भी आपके हेयर की लेंथ है, जो भी बोटॉक्स ट्रीटमेंट होता है वो हेयर की लेंथ पे होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जितने आपके हेयर लंबे हैं उतना ही ज़्यादा आप अपना कंडीशनर ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए मैंने 4 to 5 स्पून अपना कंडीशनर ले लिया है, ये देखिए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल, ठीक है। कोकोनट ऑयल है ये, 100% कोकोनट ऑयल है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये वाला यूज़ कर लो, ठीक है। मैं सभी वीडियो में रिप्लेसमेंट जिसे बोलते हैं ना, कि अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये यूज़ कर लो, वो बताती हूँ। तो अगर आपके पास ये है तो आप ये यूज़ कर लो, मैं ये वाला ही यूज़ करूँगी। मोदी केयर कंपनी का है ये, तो इसके लिए मैं बस इसमें 1 स्पून ऐड करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं, ये देखिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे विटामिन ई के कैप्सूल, जो आपकी मार्केट में या आपके घर के आसपास इजीली अवेलेबल है विटामिन ई के कैप्सूल, ये देखिए। मेरे हेयर की लेंथ के अकॉर्डिंग मैं इसमें 3 डाल रही हूँ, आप 1 या 2 भी ऐड कर सकते हो। तो देखिए इनका जेल हमें लेना है, तो इसको कट करके तीनों के तीनों कैप्सूल का मैं जेल निकाल लेती हूँ और वो इसमें ऐड कर लेती हूँ। विटामिन ई का कैप्सूल हमारे हेयर और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जितने भी DIY पैक होते हैं उनमें इस कैप्सूल का यूज़ ज़रूर किया कीजिए। ये नेचुरल है, आपके हेयर को सिल्की शाइनी स्मूथ बनाएगा, उनको नमी देगा, इसका कोई भी बैड इफ़ेक्ट नहीं होगा आपके हेयर पर या आपकी स्किन पर। इसके बाद अगर आपके पास कोई इसेंशियल ऑयल हो, जैसे कि रोजमेरी, टी ट्री ऑयल या लेवेंडर ऑयल, कोई भी हो उसमें से आप ले सकते हो, 4 to 5 ड्रॉप ले सकते हो। अगर आपके पास हो तो आप इसे डाल लेना, ये टोटली ऑप्शनल है, हो तो डालो, नहीं है तो कोई बात नहीं। और इसके बाद जो इसमें बिल्कुल इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है हमारी वैसलीन। वैसलीन ज़रूर ऐड करनी है। वैसलीन हमारे हेयर को ब्लैक करती है, बाउंसी बनाती है, स्ट्रेट करती है, शाइनी बनाती है। बट वैसलीन आपको बहुत हल्की सी यूज़ करनी है, ज़्यादा नहीं। सर्दियों में भी आप इसका यूज़ करोगे तो बहुत कम करना, ज़्यादा मात्रा में यूज़ करने से ये हेयर पे से निकलती नहीं है, आपको काफ़ी बार शैम्पू यूज़ करना पड़ता है। तो मैं बोलूँगी कि आप इसको बहुत कम मात्रा में यूज़ करें, 1/2 स्पून से भी कम लें तो बहुत अच्छा है। तो ये देख लीजिए मैंने इतनी सी ली है बस, और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अगर आपको लगे कि आपका हेयर पैक थोड़ा कम है तो आप इसमें अपने कंडीशनर की जो मात्रा है वो बढ़ा सकते हो, और इनको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल जैसा मार्केट में मिलता है ना, ये बिल्कुल वैसा ही बन गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने हेयर को कॉम कर लिया है, आप भी अपने हेयर को अच्छे से कॉम कर लीजिए। और जब भी आप इसको ट्राई करो अपने हेयर पर, ये मास्क या बोटॉक्स ट्रीटमेंट जो हम आज कर रहे हैं, तो आपके हेयर जो हैं वो बिल्कुल वॉश होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए, उनमें ऑयल ज़रा सा भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैं अपने हेयर आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल झाड़ू जैसे हो गए हैं, ये देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है, सॉफ्ट है बट बिल्कुल जैसे पार्लर में से निकलते हैं ना हम करवा के,
वैसे नहीं है, तो इनको सॉफ्ट बनाने के लिए, बिल्कुल मैनेजेबल बनाने के लिए हम ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो आप ऐसे अपने हेयर को पतले पतले ले लीजिए, ये देखिए, और जो हमने पैक बनाया है इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद स्पून बाहर निकाल दीजिए और अपने हेयर पर इसको लगाना शुरू कीजिए। पतले पतले सेक्शन ले लेना है, और आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारी टिप है ना, आपको यहाँ लगाना है, ये देखिए, यहाँ से आपको इसको स्कैल्प में नहीं करना है, ऊपर के लगभग 3 से 4 इंच आप जगह छोड़ दीजिएगा, और नीचे के जो हेयर है वहीं पे लगाना है, ये देखिए। तो जो हमारी टिप है बिल्कुल हम इसे वहां से लगाना शुरू करेंगे और फिर ऊपर की तरफ जाएंगे। और बहुत हल्का सा आपको इसे मसाज देना है, ज्यादा मसाज नहीं करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ के सारे हेयर पे मैंने इसको अच्छे से लगा लिया है, और अब ये दूसरे तरफ के हेयर पे भी मैं इसे लगा लेती हूँ। पतले पतले सेक्शन आपको ले लेने हैं ऐसे करके। तो देखिए मैंने ऐसे पतले से सेक्शन ले लिए हैं, और बिल्कुल टिप पे से ही शुरू करेंगे, ये देखिए, यहाँ से लगाना ही हमें शुरू करना है बिल्कुल, और फिर ऊपर की तरफ जाना है, क्योंकि हमारे हेयर जो होते हैं वो बिल्कुल टिप पे ही खराब होते हैं। ये जो मास्क हम यूज़ कर रहे हैं, जो हम ट्रीटमेंट आज कर रहे हैं, बोटॉक्स ट्रीटमेंट, इससे क्या होगा कि ये जो हमारे दो मुंहे बाल हो जाते हैं ना, ये उनको भी ठीक करेगा, रिपेयर करेगा, हमारे हेयर को बाउंसी बनाएगा, सिल्की बनाएगा, शाइनी बनाएगा। और जो हमने वैसलीन यूज़ की है, अगर आपके हेयर में थोड़ी सी भी वाइटनेस आ गई है, आपके हेयर वाइट हो गए हैं, तो ये उनको भी ब्लैक करेगा। अगर वीडियो में मैं कुछ बातें इधर उधर बोल देती हूँ, वाइट की जगह ब्लैक हो जाता है, तो आप समझने की कोशिश किया कीजिए कि हमें कैमरे की तरफ भी देखना है, और अपना जो हम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी टॉपिक पर वीडियो, हमें वो भी बनाना है, तो शायद एक दो वर्ड इधर उधर हो जाते हैं, तो आप उसे इग्नोर किया कीजिए, बस हम वीडियो में आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, उस पर ध्यान दिया कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जरा से हेयर बचे हैं, इन पे भी मैं लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों तरफ अपने हेयर पर इसे लगा लिया है अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से लगा लिया है, टिप पर ही लगाया है मैंने इसे बिल्कुल, और देखिए ये बहुत ज़रा सा बच गया है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इसे भी अपने टिप पर ही लगा लेती हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कंडीशनर जो होता है वो हम लेंथ में ही लगाते हैं, हमें स्कैल्प में या रूट में उसको बिल्कुल भी नहीं लगाना है, आप इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो बोटॉक्स ट्रीटमेंट हम आज कर रहे हैं, आप इसको महीने में 2 बार कीजिए, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं सारी, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो जितनी भी नेचुरल चीज़ें होती हैं उन्हें हमें जल्दी जल्दी करना होता है, क्योंकि पार्लर ट्रीटमेंट की तरह हम इसे 5-6 महीने के लिए या साल भर के लिए नहीं छोड़ सकते, और वो हमारे हेयर को डैमेज करते हैं, ख़राब करते हैं। उनका रिजल्ट आपको इंस्टेंट तो मिलता है, बट लाइफ लॉन्ग नहीं होता, वो हमारे हेयर को डैमेज कर देते हैं। जितना हम खर्च करके आते हैं कि हमारे हेयर अच्छे हो जाएं, उतना ही उनका नुकसान होता है और हमारे हेयर बर्बाद होते हैं। तो देखिए मैंने हेयर अच्छे से क्रीम से लपेट दिए हैं बिल्कुल, जिसको कहते हैं अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से मैंने इनको लगा दिया है बिल्कुल। और मैं कैमरा आपको दिखाती हूँ, कैमरे को सेट करके आपको दिखाती हूँ कि मैंने, ऐसे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं कैमरा सेट करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे स्कैल्प में मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं लगाया है। देखिए, आप सोचते होंगे फ्रेंड्स कि मैं कैमरे की तरफ नहीं देखती हूँ, बिकॉज सामने मेरा मिरर होता है, मैं उसमें देखती हूँ, कैमरे की तरफ नहीं देखती हूँ। कैमरे की तरफ देखने से मैं बहुत सारी बातें जो है वो नहीं बोल पाती हूँ, इसलिए मैं अपने मिरर में देख कर ही बोलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा क्लियर, मैंने अपने स्कैल्प में इसको ज़रा सा भी नहीं लगाया है, बिल्कुल चिपचिपा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इसको लेंथ में लगाया है बिल्कुल, ये देखिए, आप दोनों में फ़र्क खुद ही कर सकते हो, स्कैल्प देखिए मेरी, ठीक है फ्रेंड्स, और मेरी लेंथ देखिए। ठीक है, वैसे तो मेरे हेयर आप सबको पता ही है नेचुरली ब्लैक हैं,
बहुत मेहनत करी है मेरी मम्मी ने मेरे हेयर के ऊपर, तो बिल्कुल ब्लैक हैं। फिर भी हम अपना थोड़ा थोड़ा डीआईवाई करते रहते हैं क्योंकि 30+ हो चुके हैं, तो थोड़े वाइट हेयर होना नेचुरली है, तो इसीलिए कुछ ना कुछ करते रहिए। आज का वीडियो अगर आपको समझ आ गया हो मैं क्या बताना चाह रही हूँ, क्या समझाना चाह रही हूँ, तो फ्रेंड्स फिर से बता देती हूँ, ये हमारे हेयर को स्मूथ बनाता है, सिल्की बनाता है, बाउंसी बनाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और आप इस बोटेक्स ट्रीटमेंट को महीने में 2 बार ट्राई कीजिए, कम से कम 2 बार ट्राई कीजिए। और हमने ये जो कुछ भी अभी अप्लाई किया है अपने हेयर पर, आप उसको आधे घंटे से 1 घंटे तक रख सकते हो, जितना टाइम आपके पास है। मैं इसे 1 घंटे के लिए रखने वाली हूँ, उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश करना है। आज, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, बार बार बोल रही हूँ, नेक्स्ट डे आप शैम्पू करना, आज नहीं करना है आपको शैम्पू, ओके? तो अगर आप समझ गए हो तो बहुत सारा थम्स अप कर देना, वीडियो को शेयर करना फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना। साइड में जो घंटी का बेल आइकन आता है उसको भी आपको प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो देख सको। तो फ्रेंड्स आपको बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, क्योंकि मैं वीडियो रेगुलर अपलोड करती हूँ, बट जितने सब्सक्राइबर है उतने व्यू नहीं आ रहे हैं। मुझे व्यू देख के गुस्सा भी आता है, और फिर मैं सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, नहीं आ रहे ना आए, मैं कोशिश कर रही हूँ अपने स्किन को, अपने हेयर को, अपने टाइम पास करने को, सब कुछ ठीक करने को, तो मैं कोशिश करती रहूँगी। व्यू आए या ना आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एक टाइम को मन में गुस्सा आता है, ठीक है, बट नहीं आते तो ना आए, ठीक है। मेरा टाइम अच्छे से पास हो रहा है, मैं करती रहूँगी। आते हैं तो भी ठीक है, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो भी ठीक है, नहीं बढ़ते हैं तो भी ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अगर बातें समझ गए हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कॉमेंट जरूर करना कि किस टॉपिक पर वीडियो देखना है।